हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय। राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय एक श्लोक संख्या 41 1.41। संकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। संकरः ऐसे अवांछित बच्चे नरकाय नारकीय जीवन के लिए एव निश्चय ही कुलग्नानां कुल का वध करने वालों के कुलस्य कुल के च भी पतन्ति गिर जाते हैं। पितरः पितृगण ही निश्चय ही एषाम इनके लुप्त समाप्त पिंड पिंड अर्पण की उदक तथा जल की क्रिया क्रिया कृत्य। श्रील प्रभुपाद की जय। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे अर्थात पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो यह है 41वां नंबर श्लोक। पहले अध्याय में कुल 46 श्लोक है, 46। सुबह का जो भगवद गीता मैंने शुरू किया है लाइव, उसमें आज पहला अध्याय समाप्त हो गया और कुल मिलाकर 9 वीडियोस बन गए हैं। पहले अध्याय के 9 वीडियोस देखेंगे तो पहला अध्याय हो जाएगा। तो ऑलरेडी वो वीडियोस हैं यूट्यूब पर डाले हुए, देख सकते हैं आप लोग। कल से दूसरा अध्याय शुरू होगा और जो श्लोका हम सीख रहे हैं उसमें भी आज पहला अध्याय समाप्त हो जाएगा। ये अंतिम श्लोक हम कर रहे हैं। कुल मिलाकर हमने 11 श्लोक किए पहले अध्याय के, इम्पॉर्टेंट श्लोक। ठीक है, तो इस श्लोक को अब हम पढ़ना सीखेंगे। समझाने वाली बात मैं ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि वो आप उसके लिए वो वाला वीडियो देख लीजिए जो सुबह मैं दे रही हूँ। ओके। संकर यानी अवांछित बच्चे, तो प्रभुपाद सॉरी भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जब परिवार में अवांछित बच्चे पैदा हो जाएंगे, उनकी संख्या बढ़ जाएगी, तो परिवार के लिए उन लोगों के लिए जो परंपरा से चल रहे हैं, पारिवारिक परंपरा निभाते हैं, उनके लिए समस्या पैदा होगी, क्योंकि नारकीय जीवन उत्पन्न हो जाएगा। पूरे घर में नरक के समान वातावरण हो जाएगा और ऐसे कुल के पुरखे पितर जो किसी और योनि में होंगे, कोई पितर लोक में, कोई किसी नरक लोक में, कोई स्वर्ग लोक में भी यदि कोई है ना, तो वहां से भी वो उनको उनको उनकी गति खराब हो जाती है कि तुम्हारे खानदान में कोई बच्चा ऐसा कर रहा है, तो गिर जाते हैं सब लोग। यदि कोई हमारे खानदान का बच्चा गलत कार्य करता है तो वो जहाँ भी हमारे पुरखे हैं उनको बहुत तकलीफ होती है। और जो अवांछित बच्चे पैदा होंगे वो जल और पिंडदान देना बंद कर देंगे। लुप्त पिंडो दक क्रिया, पिंड यानी पिंड, उदक यानी जल और क्रिया, पिंड और जल देने की क्रिया, और लुप्त लुप्त हो जाते हैं। पतंती पितरो, पितर जो है हमारे पुरखे जो है वो गिर जाते हैं और नरकाय व नरक के समान स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। जो पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करते हैं उनके लिए नारकीय जीवन तो होता ही है, परिवार के लिए भी और जो ऐसी स्थिति पैदा करते हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए नारकीय जीवन पैदा हो जाता है।
तो इसलिए अर्जुन कह रहे हैं क्योंकि कि मैं इसमें भाग लेना नहीं चाहता, ठीक है, यही कहना है उनका, इस क्रिया में मैं भाग लेना नहीं चाहता हूँ, मैं अपने कुल खानदान परंपरा के नियम को, उसका जो चल रहा है इतने वर्षों से, उसको मैं समाप्त करने में अपना योगदान नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूँगा, ठीक है ना। तो ये सब अर्जुन सोच रहे हैं और सोच करके कृष्ण को बता रहे हैं, फिर बाद में कृष्ण समझाते हैं, वो तो हम बाद में देखेंगे। सेकेंड चैप्टर जब शुरू होगा तो बहुत इंटरेस्टिंग, पूरा आत्मा ज्ञान सब कल से शुरू हो जाएगा सेकेंड चैप्टर। तो इस श्लोक में, इस श्लोक के परपोट में प्रभुपाद ने ये बात बताया है कि देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी चराजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिणत करतिम। प्लीज़ मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरा जो वीडियो चल रहा है ना सुबह वाला, वो देख लीजिए, इसके विस्तार के लिए, मतलब इसको मैंने समझाया है अच्छे से उस वीडियो में, क्योंकि यहाँ हमें श्लोका के ऊपर फोकस करना है। परंतु ये श्लोका मैंने इसलिए बोला कि इस श्लोका में कहा गया है कि यदि कोई कृष्ण भक्ति करता है तो उसके ऊपर न देवताओं का ऋण बाकी रहता है, ना पितरों का ऋण बाकी रहता है, ना किसी दूसरे जीव का ऋण बाकी रहता है, क्योंकि उसने भगवान की भक्ति कर ली, सबका ऋण चुक गया। अब इस श्लोक को हम कैसे समझेंगे, कैसे याद करेंगे? संकर अकेला शब्द है, कोई जोड़ा हुआ शब्द इसमें नहीं है, और नरका नरकाय एव, यहाँ दो शब्द जुड़े हैं, नरकाय एव नरकायैव हो जाता है, नरकायैव नरकाय एक शब्द है और एव तो नरकायैव हो जाता है, ठीक है। और कुलघ्ना नाम यहाँ पे दो शब्द है, कुलघ्ना नाम उसको जोड़ करके बताया गया है, कुलघ्ना नाम एक साथ ही बताया गया है, मतलब ये एक ही शब्द है, इसको तोड़ना जोड़ना कुछ नहीं है। और पतंती पितरो येषाम, ही और येषाम दो शब्द को जोड़ा गया है, ही येषाम येषाम ही येषाम येषाम, और फिर यहाँ पे चार शब्दों को जोड़ा गया है, लुप्त पिंड उदक क्रिया, लुप्त पिंडो दक क्रिया, परंतु इसको जब हम बोलेंगे तोड़ तोड़ के नहीं बोलेंगे, वो ना सुनने में अच्छा लगेगा ना बोलने में कंफर्टेबल होगा, तो लुप्त पिंडो दक क्रिया ऐसे ही बोलना पड़ेगा। अर्थात इसमें जैसे जैसे शब्द हैं उसको वैसे ही बोलना है, किसी को तोड़ के नहीं बोलना है, ठीक है, ऐसे ही बोलने में अच्छा लगेगा और राग भी ऐसे ही बैठा रहेगा, तो इसको हमको ऐसे ही बोलना है। अब याद करेंगे कैसे वो देखते हैं हम, ठीक है। तो आप लोग सब जो YouTube पर देख रहे हैं, जिनको श्लोका सीखना है, वो सब क्या करिएगा, जो YouTube पर देख रहे हैं वो सारे शब्दों को 10-10 बार उच्चारण करेंगे, संकरो 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 ऐसे, नरकायैव 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 ऐसे करके बहुत बार बोलेंगे, जिससे उनका उनकी जो जिह्वा है वो ट्विस्ट करने लग जाएगी। उसके बाद पूरे श्लोक को बोलेंगे, पूरे श्लोक को कैसे बोलना है मैं वापस बोल के सिखाती हूँ। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः, ऐसे संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः, ऐसे बोलना है, ठीक है। दो बार रुकना है, हल्का हल्का छोटा छोटा पॉज, नरकायैव के बाद एक पॉज और येषां के बाद दूसरा पॉज, दो बार, और दो तो होता ही है, लाइन खत्म होने के बाद तो होता ही है, इसलिए उसके बारे में मैं नहीं बताती हूँ। तो यहाँ जो जहाँ मार्क करना है आपको, वहाँ पे नरकायैव के बाद एक बार मार्क लगाना है, येषां के बाद एक बार मार्क लगाना है, ये दो जगह हमको रुकना है, हल्का हल्का पॉज देना है, तो फिर आपको श्लोका बोलने आ जाएगा।
संकरो नरकायै वा कुलघ्ना नाम कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया। बस ऐसे बोलना है, ठीक है? तो अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे।